क्या कभी अपने शौहर को मंदिर लेकर गई हो? शोएब के साथ दरगाह पहुंची दीपिका कक्कर, निकाह के बाद नाम बदल बन गई थी फैजा। ऑप इंडिया स्टाफ, ससुराल सिमर फेम दीपिका कक्कर ने 2018 में रिलीजियस कन्वर्शन कर इस्लाम अपनाने के बाद शोएब इब्राहिम के साथ निकाह कर लिया था। हाल ही में दीपिका कक्कर इब्राहिम अपने शौहर के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। इसकी तस्वीर दीपिका के शौहर शोएब इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिस पर लोगों ने दीपिका पर तंज कसते हुए उनसे पूछा कि वो तो अजमेर शरीफ चली गई लेकिन कभी शौहर को भी मंदिर लेकर गई हैं। सोशल मीडिया साइट्स इंस्टाग्राम पर लोग दीपिका के इस्लामीकरण को लेकर जमकर निशाने साध रहे हैं। इसी क्रम में अनिल नाम के यूजर ने लिखा, पूरी मुस्लिम बना दिए दीपिका को, दीपिका को पूरा अपना मजहब बदलवा दिया। शोएब भाई कभी दीपिका के साथ मंदिर भी गए हो? दीपिका को भी शर्म आनी चाहिए, पूरी तरह से अपना धर्म पूरी तरह भूल गई है। धर्म की खातिर लोगों ने अपने जाने दी हैं, तुमने अंदर अंदर धर्म बदलवा कर दीपिका को इस्लाम करवा दिया। इंस्टाग्राम, वहीं इस मामले में सैयद बुशरा नाम की यूजर ने दीपिका को कुरान का पालन करने की नसीहत दे डाली। इंस्टाग्राम, प्रियंका सेठी ने कहा, दीपिका को कभी भी मंदिर जाते नहीं देखा होगा, क्या यही आध्यात्म है? वो हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन नहीं करती, दूसरी संस्कृति को फॉलो करती है। एक अन्य यूजर ने कहा कि अपना धर्म बदलने से अच्छा होता कि कुंवारी रह जाती। वहीं दूसरे यूजर ने हिंदू लड़कियों को संभल कर रहने की नसीहत दी। एक अन्य यूजर ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली दीपिका और शोएब इब्राहिम को कभी सिद्धि विनायक मंदिर भी जाने की नसीहत दी। यूजर ने लिखा, कभी सिद्धि विनायक मंदिर भी जाओ, मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, यहाँ तक कि मैं अजमेर शरीफ भी गई हूँ, लेकिन प्लीज दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो, हमें ज्यादा खुशी होगी। इंस्टाग्राम, गौरतलब है कि शोएब और दीपिका ससुराल सिमर के सीरियल से ही एक दूसरे के करीब आए और बाद दीपिका ने शोएब से निकाह करने के लिए अपना धर्म छोड़ इस्लाम अपना लिया। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया। खास बात यह है कि दीपिका कक्कर बिग बॉस 12 की विजेता रही हैं।